दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सिंपल डीसी टू डीसी बूस्ट कन्वर्टर सर्किट बनाने वाले हैं, जिसकी सहायता से आप डीसी वोल्टेज को बूस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो इस सर्किट को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग यूज में लेंगे एक पीएनपी ट्रांजिस्टर, जिसका मॉडल नंबर है BD140। उसके बाद हम लोग यूज में लेंगे एक 100K का रजिस्टर, ये है हाफ वाट में, आप चाहे तो क्वार्टर वाट का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग लेंगे एक 220 किलो ओम का रजिस्टर, ये क्वार्टर वाट में है। उसके बाद हम लोग लेंगे एक 470 ओम का एक रजिस्टर क्वार्टर वाट में। उसके बाद हम लोग लेंगे एक BC547 NPN ट्रांजिस्टर। उसके बाद हम लोग उपयोग में लेंगे एक 470 माइक्रोफेरड 25 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद हम लोग यूज में लेंगे एक 1N4007 डायोड। उसके बाद हम लोग यूज में लेंगे एक 3 माइक्रो हेनरी का इंडक्टर, जो कि आपको पुराने खराब हो चुके CFL के ड्राइवर सर्किट से मिल जाएगा। तो मैं इसे निकाल लेता हूँ, आप देख लीजिए। तो इस बूस्ट कन्वर्टर सर्किट को बनाने से पहले मैं इस ट्रांजिस्टर के पिन आउट के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। जब ट्रांजिस्टर आप अपने फेस की ओर रखेंगे और आपको ट्रांजिस्टर का नंबर दिखेगा, तो ट्रांजिस्टर का जो राइट साइड वाला लेग होगा इस ट्रांजिस्टर का बेस पॉइंट होगा, बीच वाला कलेक्टर पॉइंट होगा और ये थर्ड वाला इमिटर पॉइंट होगा। तो सबसे पहले इस ट्रांजिस्टर के एमिटर पॉइंट के साथ में हम लोग इस 3 माइक्रो हेनरी के इंडक्टर को कनेक्ट कर लेंगे। तो मैं कनेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद इस ट्रांजिस्टर के इस बेस पॉइंट के साथ में हम लोग इस 100 किलो ओम के रजिस्टर को कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर वाले पॉइंट के साथ में हम लोग इस 470 ओम के रजिस्टर को कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इन दोनों रजिस्टर का जो ओपन वाला पॉइंट है, दोनों को आपस में सोल्ड कर देंगे। उसके बाद हम लोग इस 220 किलो ओम के रजिस्टर को लेंगे और रजिस्टर का एक सिरा ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट के साथ में कनेक्ट करेंगे और रजिस्टर का दूसरा सिरा इस इंडक्टर के इस जो ओपन वाले पॉइंट है वहां पे हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इस BC547 ट्रांजिस्टर को लेंगे और ट्रांजिस्टर का मैं पिन आउट बता दे रहा हूँ। ये जो लेफ्ट साइड की ओर है ट्रांजिस्टर का कलेक्टर, बीच वाला बेस और राइट साइड की ओर जो है वही मीटर है। तो ट्रांजिस्टर का जो बेस ये वाला पॉइंट है वो इस पहले वाले ट्रांजिस्टर के इस मिडिल वाले लेग के साथ में, यानी कलेक्टर के साथ में हम लोग कनेक्ट कर देंगे। तो मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग इस तरह का एक जंपर वायर लेंगे और इस BC547 ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट के साथ में कनेक्ट करके इस इंडक्टर के इस वाले पॉइंट के साथ में हम लोग सोल्ड कर देंगे। उसके बाद हम लोग इस 1N4007 डायोड को लेंगे और डायोड को इस BC547 ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट के साथ में हम लोग सोल्ड कर देंगे। तो मैं डायोड का ये जो ब्लैक वाला पार्ट है एनोड पार्ट वो कनेक्ट कर दें। उसके बाद हम लोग और एक जंपर वायर को लेंगे और इस ट्रांजिस्टर BC547 के इमिटर पॉइंट के साथ में कनेक्ट करेंगे और जंपर वायर का दूसरा सिरा इन दोनों रेजिस्टेंस को आपस में जहां हम लोगों ने जोड़ा है वहां हम लोग कनेक्ट कर देंगे। तो मैं कनेक्ट कर ले रहा हूं। उसके बाद हम लोग इस 470 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर को लेंगे और कैपेसिटर का जो ये वाला जो पॉइंट देख रहे हैं ये नेगेटिव पॉइंट, हम लोग इस BC547 ट्रांजिस्टर के एमिटर वाले पॉइंट के साथ में यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे जो डायोड का जो ये सिल्वर वाला पार्ट है कैथोड वाला वहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आउटपुट सप्लाई लेने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव का वायर लेंगे। तो जो पॉजिटिव वायर है इस कैपेसिटर के पॉजिटिव लेग के साथ में कनेक्ट करेंगे और फिर नेगेटिव आउटपुट सप्लाई लेने के लिए इस कैपेसिटर के नेगेटिव पॉइंट के साथ में हम लोग कनेक्ट कर देंगे। इस सर्किट में हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव इनपुट पावर सप्लाई देने के लिए दो वायर को लेंगे और जो नेगेटिव इनपुट देंगे हम लोग इस कैपेसिटर के नेगेटिव वाले पॉइंट पे देंगे और जो पॉजिटिव पावर सप्लाई देंगे वो ट्रांजिस्टर के इस वाले पॉइंट यानी इमिटर पॉइंट के साथ में डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों देख लीजिए हम लोगों का ये सर्किट बन के रेडी है और आप कनेक्शन को दोबारा से देख लीजिए कैसे किया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग इस सर्किट को टेस्ट कर लेते हैं। तो इस सर्किट में हम लोग इनपुट देने के लिए 3.7 वोल्ट की बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं बैटरी के साथ में इस सर्किट को कनेक्ट कर ले रहा हूँ। तो
तो मैंने इस बूस्ट कन्वर्टर सर्किट को इस बैटरी के साथ में कनेक्ट कर दिया है। अब मैं इसके आउटपुट वोल्टेज को आपको एक बार चेक करके दिखाता हूँ। तो मैं चेक करने के लिए यहाँ पे एक मल्टीमीटर का यूज कर रहा हूँ और इसको 200 वोल्ट के डीसी के रेंज पे रख दे रहा हूँ। अब आप मीटर पे ध्यान दीजिएगा कि मीटर में कितना वोल्टेज आपको शो होता है। तो आप देख सकते हैं तकरीबन 38.7 वोल्ट के आसपास आपको दिख रहा होगा। देख सकते हैं इनपुट में हम लोग 3.7 वोल्ट दे रहे हैं और बूस्ट होकर के डीसी वोल्टेज लगभग 39 वोल्ट के आसपास में हो जा रहा है। तो ये सर्किट आप देख सकते हैं काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। अब इस सर्किट से मैं आपको कोई लोड चला के दिखा दे रहा हूँ। तो लोड चलाने के लिए मैं यहाँ पे एक 12 वोल्ट और 9 वाट का डीसी बल्ब यूज कर रहा हूँ। तो मैं इसके आउटपुट के साथ में कनेक्ट कर दे रहा हूँ और देखता हूँ जलता है कि नहीं। तो पहले मैं 3.7 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ कि जलता है कि नहीं, उसके बाद मैं दिखा रहा हूँ आपको ये ग्लो करता है कि नहीं। तो मैंने 3.7 वोल्ट की बैटरी के साथ में कनेक्ट कर दिया है, देख लीजिए। और देखिए ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। अब इसके आउटपुट के साथ में हम लोग कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि ये जलता है कि नहीं बल्ब। तो मैं कर दे रहा हूँ इस बल्ब को इसके साथ में कनेक्ट। और आप देख सकते हैं ये बल्ब ग्लो करना स्टार्ट हो गया है। अब दोस्तों मैं इस सर्किट के आउटपुट करंट को आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो मैंने मीटर ले लिया और मीटर को एम्पियर रेंज पे सेट कर लिया है। और अब मैं इसके एम्पियर को आपको दिखाता हूँ आउटपुट में कितना मिल रहा है। मीटर पे ध्यान दीजिएगा तो आप देख सकते हैं तकरीबन 320 मिली एम्पियर के आसपास में आपको आउटपुट करंट मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं ये सर्किट काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। और आप चाहे तो इस सर्किट से 12 वोल्ट मतलब 39 वोल्ट के अंदर आप जितना बीच में लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। लेने के लिए आपको यहाँ आउटपुट में जेनर डायोड लगाना पड़ेगा। अगर आप 12 वोल्ट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 12 वोल्ट का जेनर डायोड लगाते हैं आउटपुट में। अगर 5 वोल्ट लेना चाहते हैं तो 5 वोल्ट, 6 वोल्ट तो 6 वोल्ट, ऐसे करके आप रेगुलेट करके भी बूस्ट करके आप ले सकते हैं इससे सप्लाई। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलता हूँ फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।